बजट कल पेश होना है, इसलिए सही मौका है कि बजट से जुड़ी कुछ यादगार और दिलचस्प बातें आपको बताई जाए। भारत में बजट की मजेदार कथा जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। हर साल जाती जनवरी और आता फरवरी, हम भारत के लोगों के लिए बजट के इंतजार और बजट से उम्मीदों का दौर लाता है। लेकिन जिस बजट के हम इतनी बेसब्री से राह देखते हैं, उससे जुड़े कई ऐसे दिलचस्प किस्से हैं जिनके बारे में बेहद कम लोगों को मालूम है। देश आजाद होने के बाद से अब तक कुल 74 वार्षिक बजट पेश किए जा चुके हैं। इसके अलावा 14 अंतरिम बजट और 4 विशेष बजट या लघु बजट पेश किए जा चुके हैं। बजट के इतने दस्तावेजों और भाषणों में कई बार ऐसे वाकये निकल कर आते हैं जो सालों साल के लिए यादों में दर्ज हो जाते हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प वाक्य है 1955-56 के बजट का। 1955-56 के केंद्रीय बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री सीडी देशमुख ने शादीशुदा और अविवाहितों के लिए अलग अलग इनकम टैक्स स्लैब पेश किया था। 1955-56 के यूनियन बजट में देशमुख ने कहा था कि शादीशुदा लोगों के लिए 1,500 रुपए का मौजूदा टैक्सी एग्जेम्प्टो स्लैब बढ़ाकर 2,000 रुपए किया जा रहा है, अविवाहितों के लिए इसे घटाकर 1,000 रुपए किया गया था। दरअसल फैमिली अलाउंस की स्कीम शुरू करने के लिए ऐसा किया गया था। इसी साल यानी 1955 तक केंद्रीय बजट केवल अंग्रेजी भाषा में ही छपता था, लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार ने बजट दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छापने का निर्णय लिया था। इसी तरह ब्रिटिश शासन से लेकर साल 1999 तक बजट एक ही निर्धारित तारीख और समय पर पेश किया जाता रहा, जिसके हिसाब से केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था। वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने साल 1999 में बजट पेश करने का समय बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया था, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 में बजट पेश करने की तारीख को बदलकर 1 फरवरी कर दिया था। बजट को पहले एक बजट ब्रीफकेस में रखा जाता था। पुरानी पीढ़ी ने बजट भाषणों से पहले कई वित्त मंत्रियों के हाथों में उस बजट ब्रीफकेस को देखा है, लेकिन 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे एक बही खाते से बदल दिया जिस पर राष्ट्रगान लिखा हुआ था। इसी तरह बजट से जुड़ी एक खास रस्म है हलवा बनाने की रस्म। बजट पेश होने से कुछ दिन पहले होने वाली इस रस्म के दौरान वित्त मंत्री की मौजूदगी में हलवा बनता है। वित्त मंत्री हलवे के इस बड़े बर्तन में करछी चलाते हैं। इसके बाद मंत्रालय के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के सदस्यों को मिठाई मिलती है। बजट से जुड़ी खास बातों के क्रम में हर बार बजट की अवधि और शब्द सीमा को लेकर भी कोई न कोई नया फैक्ट सामने आता रहा है। अब तक सबसे ज्यादा शब्दों वाला बजट भाषण देने का रिकॉर्ड मनमोहन सिंह के नाम है। 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 18,650 शब्दों वाला बजट भाषण दिया था, तो वहीं अरुण जेटली ने 2018 में 18,604 शब्दों वाला बजट भाषण दिया था। इस भाषण की अवधि 1 घंटा 49 मिनट थी, जबकि सबसे छोटे बजट भाषण का रिकॉर्ड वित्त मंत्री हीरो भाई मुल्ले भाई पटेल के नाम है। पटेल ने 1977 में केवल 800 शब्दों वाला बजट भाषण दिया था। बजट के इतिहास में सबसे ज्यादा बार बजट भाषण देने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए 10 बार बजट भाषण दिया, जबकि पी चिदम्बरम ने 9 बार बजट भाषण दिया, तो वहीं प्रणब मुखर्जी और यशवंत सिन्हा के नाम 8-8 बार बजट भाषण देने का रिकॉर्ड दर्ज है। ये रोचक तथ्य, किस्से और कहानियां भारत के आम बजट में अपनी खास जगह रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।